ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में जो भी अमावस्या होती है ना, उनको पितरों की तिथि माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आपके जो भी पितृ देव होते हैं, वो अमावस्या के दिन पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों के दिए जाने वाला श्राद्ध जो है वो ग्रहण करते हैं। इस बार साल 2023 में चैत्र महीने की जो अमावस्या है ना, जिसको भौमवती अमावस्या कहा जाता है, जो कि 21 मार्च 2023 मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार के दिन आने के कारण इसे भौमि अमावस्या भी कहा जा रहा है। मित्रों, भौमि अमावस्या का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। भौमि अमावस्या के दिन हनुमान जी की कुछ विशेष पूजा करने के बाद आप प्रभु बजरंग बली हनुमान जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही मित्रों, आप अपने घर में जो भी बुरी शक्तियां हैं उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर भौमवती अमावस्या क्या होती है, इसकी पूजा विधि क्या है और चार राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत 21 मार्च यानी कि भौमवती अमावस्या के बाद से ही एकदम से परिवर्तित होने जा रही है, और भौमवती अमावस्या के दिन क्या कुछ चीजों का दान करना चाहिए जिससे आपको अपने पापों से छुटकारा मिल सके। मित्रों, चैत्र महीने की जो अमावस्या है ना, वो 21 मार्च मंगलवार के दिन है और मंगलवार के दिन अगर कोई भी अमावस्या आती है ना, तो उसे भौमवती अमावस्या या भौमि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन दान और स्नान करने से व्यक्ति को अपने पापों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, कल मंगलवार के दिन जो ये भौमवती अमावस्या पड़ रही है ना, अगर किसी के अंदर मंगल दोष है, कुंडली में मांगलिक भाव है या दोस्तों विवाह नहीं हो पा रहा है, शादीशुदा जीवन में कुछ भी अनबन चल रही है, ये सब मंगल दोष के कारण होते हैं, या स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, तो भौमवती अमावस्या के दिन गुड़, शहद और गोमाता को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी मंगल दोष है ना, उसमें कमी आती है और इसके अलावा इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भी मंगल दोष से छुटकारा मिलता है और आपको जो भी पितृ दोष होता है ना, उससे भी मुक्ति मिलती है। भौमवती अमावस्या के दिन गुड़ और शहद का दान करने से और गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपको पितरों की शांति होती है और आपके जीवन में उत्तम फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है और ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो कि दोस्तों भौमि अमावस्या के बाद से ही उनकी किस्मत पर भगवान बजरंगबली हनुमान जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। दोस्तों, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार यही गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है और जब पेट में भूख बढ़ जाता और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी आप भौमवती अमावस्या के दिन मित्रों गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 11 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, उनको हरा चारा खिला सकता है और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी और भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना मिलेगा और यही कटु सत्य है मित्रों। और इस बार आपको बता दें कि भौमवती अमावस्या पर 3 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले तो अमावस्या की शुरुआत 21 मार्च को सुबह सूर्योदय से लेकर 12:42 तक अति शुभ योग बन रहा है और उसके बाद शुक्ल योग बन रहा है जो कि शाम को 5:25 से स्वार्थ सिद्धि योग भी लग जाएगा और वो अगली सुबह तक रहेगा। मतलब शुक्ल योग है, शुभ योग है और स्वार्थ सिद्धि योग है। और इस अद्भुत संयोग में अगर आप स्नान और दान करते हैं ना, तो आपको पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे व्यक्तियों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष होता है ना, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है।
कुंडली में पितर दोष होना जीवन तबाह कर देता है। घर में कलह और अशांति रहती है। लगातार धन की हानि और मान की हानि होती है और घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है। विवाह में देरी होती है, वंश वृद्धि भी नहीं होती। ये सभी पितर दोष के संकेत है। तमाम प्रयास के बावजूद भी दोस्तों किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती और काम में बार बार अड़चन आती है। इसे आप पितरों की नाराजगी ही कह सकते हैं। तो मित्रों, भोमवती अमावस्या के दिन अगर आप विधि विधान से दान पुण्य करते हैं और स्नान करते हैं ना, तो पितर दोष से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, क्या है पूजा की शुभ विधि? तो सबसे पहले तो आपको क्या है ना कि भोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठना है और दोस्तों दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर तैयार हो जाना है। लेकिन नहाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको नहाने के पानी में एक या दो बूंद गंगा जल की डाल दीजिए। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है ना, तो आप उसमें गोमूत्र डाल दीजिए और इससे अगर आप नहाएंगे ना, तो मित्रों आपको अपने पापों से छुटकारा मिलेगा भोमवती अमावस्या के दिन। या दोस्तों आप चाहें तो किसी भी पवित्र नदी में जाकर सुबह का स्नान कर सकते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी, सरस्वती नदी, जो भी पवित्र नदी आपके आसपास है ना, उसमें जाकर आप स्नान कर सकते हैं। और अगर नदी में स्नान करने की परिस्थिति में नहीं है, तो नहाने के पानी में गंगा जल या गोमूत्र अवश्य मिला दीजिए। इसके बाद आपको सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में घर में खीर बनानी है और खीर बनाकर छत पर कौवों को खिला देनी है और उसका कुछ भाग आपको कुत्ते को भी खिलाना है और गौ माता को भी खिलाना है। उसके बाद आपको जो भी गरीब व्यक्ति नजर आए या कोई भी भिखारी वगैरह नजर आए, तो उनको गुड़ और शहद दोनों में से किसी भी एक वस्तु का आप दान कर सकते हैं और दोस्तों गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने पितरों से प्रार्थना करें अपने घर में सुख शांति और अपार समृद्धि के लिए। अगर आप विधि विधान से ऐसा करते हैं ना, तो मित्रों आपकी कुंडली में जो भी पितर दोष होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि दोस्तों अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो भोमवती अमावस्या के दिन मित्रों मंगल दोष से भी आप भगवान जी की पूजा अर्चना करके हनुमान जी की उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर मंगलवार के दिन कोई भी अमावस्या होती है ना, तो उसे भोमी अमावस्या या भोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अगर किसी की कुंडली में यह मंगल दोष होता है ना, तो उसको जीवन में बहुत कुछ परेशानी होती है, जैसे कि विवाह देर से होता है, विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच अनबन रहती है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में पता नहीं है ना, तो दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मित्रों आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि आखिर आपकी कुंडली में क्या अभी ग्रह दशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है, कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है और आपकी कुंडली में क्या दोष है और उसका समाधान क्या है, आने वाला समय आपके लिए कैसा क्या रहेगा, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, आपका भाग्य उदय कब होगा, आपको जीवन में व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। अगर कुछ भी समस्या है और आप अपने आने वाले 10 सालों के भविष्यफल या राशिफल के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मित्रों कुंडली बनाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है और गुरुजी के द्वारा आपको अपनी जो कुंडली रिपोर्ट है ना, वो व्हाट्सएप पर लिखित में भेजी जाती है फाइल बनाकर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में और कॉल पर गुरुजी उसका पूरा कंप्लीट विश्लेषण बताते हैं डिटेल के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष होता है, तो भोमवती अमावस्या के दिन मित्रों आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा भाव के साथ ऐसा करते हैं ना, तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, भोमवती अमावस्या के दिन 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और अगर संभव हो तो सुंदरकांड भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप भोमवती अमावस्या के दिन बजरंग बली के समक्ष सच्चे और श्रद्धा भाव से 7 बार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं ना, तो मित्रों बजरंग बली की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और आपकी हर एक मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। कुंडली में अगर मंगल दोष होता है, तो वो भी समाप्त हो जाता है और बजरंग बली का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद रहता है। चलिए अब जानते हैं मित्रों कि भोमवती अमावस्या के बाद 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है, बजरंग बली का उनको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मेष राशि। इस बार भोमवती अमावस्या के बाद मेष राशि वालों पर भगवान हनुमान जी, बजरंग बली और साक्षात माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा। मेष राशि वाले चाहे खुद का व्यापार करते हैं या मित्रों मेष राशि वाले अगर कोई भी नौकरी करते हैं, दोनों ही रूप में आपको जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है ना, और आप श्रद्धा भाव के साथ अगर भगवान बजरंग बली की पूजा अर्चना करेंगे, तो मित्रों मेष राशि वालों को मंगल दोष से छुटकारा मिल जाएगा, भगवान बजरंग बली का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगली राशि आती है
वृश्चिक राशि। दोस्तों वृश्चिक राशि वालों को स्पेशली भौमवती अमावस्या के दिन स्नान दान और भगवान बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से आपको अपने जीवन में विवाह से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और मित्रों इसी साल 2023 में भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपका विवाह का योग बनेगा और साथ ही पूरे साल भर आपके हाथ में पैसा बना रहेगा। अगर आप कोई भी धन संपत्ति खरीदना चाहते हैं और बहुत दिन से अगर प्लानिंग कर रहे हैं ना तो वृश्चिक राशि वालों की ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। और अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो आती है कुंभ राशि। मित्रों जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है ना उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि में अभी शनि की 7:30 चल रही है। ऐसे में अगर आपको जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है जैसे कि घर परिवार में समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, कुछ भी समस्या है तो भौमवती अमावस्या के दिन श्रद्धा भाव से आपको कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो मित्रों बजरंग बली के आशीर्वाद से आपको शनि की 7:30 के दोष से छुटकारा मिलेगा और भगवान शनिदेव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना उनको शनिदेव की बुरी दृष्टि या कुदृष्टि नहीं रहेगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों।